नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनडीटीवी एक्सप्लेनर में। मैं अनंत भट्ट आपके साथ हूं और आज हम बात करने वाले हैं उस वायरल बीमारी को लेकर जिसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है और भारत ने भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। बात हो रही है एमपॉक्स की, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं, शंकाएं हैं, चिंताएं हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि एक्सप्लेनर के जरिए उनको हम दूर करें, आपकी चिंताओं को, उन सवालों को हम दूर करें और इस बीमारी के बारे में आप बारीक से बारीक जानकारी हासिल करें। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल में प्रोफेसर और हेड यूनिट यूरोलॉजी रोबोटिक्स और रेनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम एमपॉक्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा सवाल इसको लेकर जो लोगों के जहन में है कि आखिर ये है क्या, एमपॉक्स है क्या? देखिए, मंकी पॉक्स जो है एक बीमारी है जो कि किसी वायरल, जैसे कोई भी वायरस होता है उसी तरह की एक वायरस बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से फैलती है। ये जो बीमारी होती है ये बेसिकली इसमें शुरू में पेशेंट को फीवर आता है, गला खराब होता है, बहुत सारा बॉडी पेन होता है और कई बार लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्किन लीजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। तो ये बीमारी थोड़े और वायरल डिजीज से इस तरह से अलग है क्योंकि इस तरह के जो लीजन्स स्टार्ट होते हैं स्किन में, म्यूकोजा में, बहुत पेनफुल होते हैं और ये फिर स्प्रेड करता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर ह्यूमन। आप कह रहे हैं दाने आने शुरू हो जाते हैं शरीर पर? जी, ये दाने आने शुरू होते हैं। शुरू में जो दाने होते हैं वो फ्लैट होते हैं और पहले 3 दिन तक फीवर आता है। 3 दिन के बाद ये लीजन्स अपीयर आने स्टार्ट शुरू हो जाते हैं। हो सकता है पहले फेस से स्टार्ट हो या कई बार पाम्स या सोल से स्टार्ट हो सकते हैं, बट धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में फैलने शुरू हो जाते हैं। शुरू में फ्लैट होते हैं, फिर इसमें एक फ्लूड बढ़ना शुरू हो जाता है जिसको मेजाइकल्स बोलते हैं और फिर इसके अंदर पस भर जाता है। तो इसी तरह से पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं और उसी वजह से बहुत तेजी से स्प्रेड करता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर ह्यूमन। जी, अब सवाल यह है कि एमपॉक्स या मंकी पॉक्स ये एक नया वायरस है या पुराना ही वायरस है? देखिए, मंकी पॉक्स जो है बहुत सालों से जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसमें कॉन्गो इसका ओरिजिन माना जाता है, जहाँ पर स्टार्ट हुआ था बहुत कई सालों पहले, और तभी से ये कई अफ्रीकन कंट्रीज में उसका आउटब्रेक होता रहता है। तो ये बीमारी पुरानी है, कोई नई बीमारी नहीं है और अभी लास्ट 2022-23 में भी इसका आउटब्रेक हुआ था जिसमें 110 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी और जिसमें हजारों केस हुए थे और 110 के करीब डेथ भी हुई थी। तो ये बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन ये बार बार इसका जो वेरिएंट है, जैसे हमने कोरोना वायरस में देखा, इसका वेरिएंट भी चेंज हो जाता है। इसके 2 तरह के वेरिएंट होते हैं, क्लेड 1 एंड क्लेड 2। तो लास्ट आउटब्रेक हुआ था वो क्लेड 2B की वजह से हुआ था। ये वाला जो आउटब्रेक इस समय हो रहा है ये क्लेड 1B की वजह से हो रहा है। जी, आपने बताया कि 2 वेरिएंट इसके होते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, दोनों में से ज्यादा घातक कौन सा है? क्योंकि क्लेड 1 को हम ज्यादा इसलिए घातक मानते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट होने के चांस ज्यादा रहते हैं और डेथ होने के चांसेस भी, अगर हम डाटा की बात करें तो क्लेड 2 में अराउंड 0.2% के अराउंड डेथ हो सकती है, लेकिन क्लेड 1 में अप टू 3.9% तक हो सकती है। तो इसलिए ये ज्यादा फास्ट स्प्रेड करता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और डेथ हो सकती है क्लेड 1। आजकल जो खबरें आ रही है इससे जुड़ी हुई अलग अलग देशों से, उसमें क्लेड 1B का भी जिक्र हो रहा है, क्या ये ज्यादा संक्रामक और घातक है? बिल्कुल, इस बार का जो आउटब्रेक है वो क्लेड 1B के स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। ये एक तरह का DNA वायरस होता है जो कि इसी तरह की और जो वायरसेस हैं जैसे काउ पॉक्स है, वैक्सीनिया, उसको बिलोंग करता है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे बताया ये स्प्रेड जो करता है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट या एनिमल टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, जो 1B की हम बात कर रहे हैं। और स्प्रेड होने के बाद जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन लोगों में बहुत तेजी से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप स्टार्ट करता है और जैसे उसमें पेशेंट को निमोनिया हो जाना, लंग इन्फेक्शन के साथ साथ ब्रेन इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन, पूरे बॉडी में सेप्सिस हो जाना और डेथ भी हो सकती है। जी, आप लगातार आपने लक्षणों के ऊपर बात की है। अब एक आम आदमी के जहन में सवाल ये आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति से संक्रमित हुआ तो कितने दिन के बाद लक्षण आने शुरू होते हैं? इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अराउंड 1 to 21 days का एवरेज दिया गया है, बट ऑन एन एवरेज 4 से 5 दिन में पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है एक्सपोजर के बाद। फीवर आने के बाद
3 दिन तक फीवर हाई ग्रेड रहता है, साथ में जैसे मैंने बताया सोर थ्रोट, गला खराब, बहुत हेडेक, बैक पेन, मसल पेन, लैक ऑफ एनर्जी भी को लगता है बॉडी में जान ही नहीं है, फिर कुछ कुछ यहाँ पर स्वेलिंग आनी शुरू होती है जो कि लिम्फ नोड होते हैं, एंड देन वो फिर उसके बाद आपके लीजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन जो है आपका 4 to 5 days के अराउंड एवरेज आ जाता है। जितने वेरिएंट हैं इसके, आपने दो वेरिएंट्स का यहाँ पर जिक्र किया, क्या दोनों में समान लक्षण होते हैं? देखिए लक्षण दोनों में ऑलमोस्ट समान होते हैं, सिर्फ ये है कि एक वेरिएंट में जो स्प्रेड फास्ट हो रहा है और वो मल्टीप्लाई ज्यादा हो रहा है, फास्टर वे में हो रहा है, और इसलिए वो ज्यादा ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्लेड वन जो बी समय जो हम इसकी बात कर रहे हैं वो ज्यादा घातक है एज कम्पेयर टू क्लेड टू बी जो कि लास्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था 2022-23 में। जी, अब सवाल ये है कि ये फैलता कैसे, इसका संक्रमण कैसे स्प्रेड होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए इसके स्प्रेड होने के दो कारण हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, कैसे कांटेक्ट हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस में होता था कि हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जा सकता है नंबर वन, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को टच किया, टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, और किसी नॉर्मल पर्सन इसको टच कर लिया तो वो फोमाइट बॉर्न भी जा सकता है। नंबर थ्री होता है क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी जिसके स्किन लीजन्स हैं वो एक नॉर्मल पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो, या जो सेक्स करते हुए जो हमारे ज्यादातर हाई रिस्क फैक्टर जो हैं वो सेक्सुअल वर्कर्स, गे जो गेज हैं या जो बाइसेक्सुअल्स हैं, उनमें एनोरेक्टल एरिया से भी कॉन्टैक्ट होके वो स्प्रेड कर सकता है। तो ये तो हो गया ह्यूमन टू ह्यूमन, और एनिमल टू ह्यूमन में होता है अगर आप एनिमल मीट को बिना प्रॉपर कुक किए खा रहे हैं, स्क्रैच या बाइट एनिमल बाइट से हो सकता है जो पहले से संक्रमित हो, या कई लोग हंट करते हैं एनिमल्स को, उनकी स्किन निकालते हैं, उसमें भी क्लोज कॉन्टैक्ट होता है और उसकी वजह से स्प्रेड कर सकते हैं। अब सवाल ये कि इसका जो संक्रमण है क्या सभी वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होता है, या सभी वेरिएंट में समान कारणों से ही संक्रमण होता है? संक्रमण का जो लक्षण है शुरू में जैसे बताया ये कॉमन लक्षण है, किसी पेशेंट में हो सकता है ज्यादा लक्षण दिखे, यानी जो लीजन्स आए हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में हो जाते हैं, और कुछ पेशेंट में कुछ ही लीजन्स आए 20-30 लीजन्स आके बंद हो जाएं, तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर टू वायरस पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया क्लेड वन जो वायरस है वेरिएंट है वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करता है और ज़्यादा जल्दी कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करता है। हमने कोरोना काल में देखा था कि वो एयरबॉर्न था, हवा से भी फैलता था, हवा में भी उसका वायरस घूमता था, क्या इस ये भी एयरबॉर्न है? हाँ बिल्कुल, जैसे एक जो उसका मोड है WHO ने भी बताया है कि जो एक मोड है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जा सकता है, यानी अगर आप किसी पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं, वो छींक रहा है, खांस रहा है, और आपने मास्क नहीं पहना है, उसने मास्क नहीं पहना है, तो वो उस ड्रॉपलेट से आप तक पहुंच सकता है। जी, आपने कहा कि हवा में भी ये वायरस हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी देर तक रहता है ये, क्योंकि इसे कोरोना वायरस का टाइम, उसका टाइम पीरियड था, कितने समय तक वो रहेगा, इसका टाइम पीरियड कितना है? देखिए कोई भी वायरस जो है ये जो है एयर में या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में कुछ टाइम तक रह सकता है, ऑन एन एवरेज फ्यू डेज इसको बोला जाता है, यानी कि अगर आपने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को टच किया तो फ्यू डेज से रह सकता है, और एयर में जो है एक डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करता है और कुछ कुछ घंटों या दिनों तक रह सकता है। लेकिन इसलिए हम ये बोलते हैं कि जितना हम डिस्टेंस रखते हैं और जितना हम बैरियर रखते हैं उतना हमारा एक्सपोजर होने का चांस कम हो जाता है। किस आयु वर्ग में ये ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा फैलता है? वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उसमें हम बात करते हैं, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपको पता है कि एक बॉम्ब में बच्चा भी है, तो वो स्प्रेड बड़ी फास्ट होता है बच्चे फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड थोड़ी ऑलरेडी स्टेज में होती हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी HIV ग्रस्त हैं, या जिनको कीमोथेरेपी की वजह से इम्यून स्टेटस कम हो गया है, ये जो कैटेगरीज हैं ये बहुत हाई रिस्क हैं। इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं इन पेशेंट्स के, वो भी बड़े हाई रिस्क में आते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था सेक्स वर्कर्स, गेज एंड बाइसेक्सुअल, ये लोग भी बड़े हाई रिस्क कैटेगरीज हैं, तो इन लोगों में ज़्यादा होता है। एज की हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स ये सभी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है, ऐसा नहीं है कि किसी एज ग्रुप को ज़्यादा को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन ये जो कैटेगरीज हैं ये हाई रिस्क में आते हैं। जी, अब दुनिया भर में इसका जिक्र हो रहा है, अफ्रीका में भी ये है, अफ्रीका के बाहर भी देशों में चला गया है, पाकिस्तान तक में आ गया, POK में भी इसका मामला, भी खबरें हैं कि वहां पर भी मामला देखा गया है, तो ऐसे में कोरोना की खौफनाक जो यादें हैं लोगों के जहन में ताज़ा इससे हो जाती है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये नया कोरोना है?
देखिए ये भी कई जगह पर ऐसे आया कि नया कोरोना आ गया, बट WHO ने क्लियर कर दिया है कि ये नया कोरोना नहीं है, ये एक अलग वायरस है। और जैसा हमने बताया अभी से नहीं है, बहुत सालों से ये एग्जिस्ट करता है और लास्ट 2022-23 में इसका आउटब्रेक हुआ भी था। ये सेम वही वायरस का बस थोड़ा अलग प्ररूप लेके नया स्ट्रेन लेके आया है, तो ये नया कोरोना नहीं बोल सकते इसको। लेकिन हाँ, हम सबको इसके लिए सजग रहना पड़ेगा, तभी हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइंस इशू करी हैं और लोगों को सजग रहने के लिए कहा गया है। तो इस बीमारी से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपका हॉस्पिटल नोडल हॉस्पिटल भी है इस मामले में, 3 हॉस्पिटल में से आपका भी एक हॉस्पिटल है। हाँ देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सभी को इसके लिए तैयार किया है, सर्जन के लिए भी इसको तैयार किया गया है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को सजग रहने की जरूरत है। जैसा आपने बताया अभी अफ्रीका के बाहर अभी सिर्फ 4 कंट्री में कुछ केसेस, एक एक दो दो केस पाए गए हैं, अभी ज्यादा संक्रमण नहीं गया, जो अच्छी बात है। अगर हम अभी से सजग हो जाएंगे तो स्प्रेड हम उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए अभी हमें तो सजग रहना है और डूज एंड डोंट्स का फॉलो करना है। जी, अभी नया कोरोना तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये कोरोना जितना ही संक्रामक है, जितना तेजी से वो फैलता था, क्या इसकी भी रफ्तार वैसी ही है या ये अलग है? देखिए, इसका जो ट्रांसमिशन जो है, ये भी जैसे वन की हम दो तरह के वेरिएंट, क्लेड वन एंड क्लेड टू। क्लेड टू का जो स्प्रेड था वो स्लो था, क्लेड वन को हम उससे ज्यादा फास्टर मान रहे हैं। कोरोना में भी हमने देखा कि वेव्स आई अलग अलग वेरिएंट्स की वजह से। डेल्टा वेरिएंट जो था वो जो ज्यादा घातक पता लगा एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट। तो वेरिएंट के हिसाब से ट्रांसमिशन पावर चेंज होती रहती है। तो ये जो वायरस है, हम ये कह सकते हैं इस समय जो चल रहा है, ये स्प्रेड होता है, फास्ट होता है। लेकिन हाँ, कोरोना वाली जो हमने सेकेंड वेव देखा था, उतना घातक, उतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें इससे सजग रहने की जरूरत। क्या ये भी कोरोना की तरह तेजी से रूप बदल सकता है? हाँ देखिए, सारे वायरसेस जो होते हैं वो चेंज अपने स्ट्रेन को करते रहते हैं व्हेनेवर दे आर एक्सपोज टू होस्ट, तो ये भी करता रहता है। इसलिए आप देखिए 2022-23 में, एक साल पहले की बात है, तब ये वेरियंट दूसरा था और एक साल में इसने अपना प्रारूप चेंज करके क्लेड वन बी में आ गया। तो ये भी वेरिएंट चेंज कर रहा है अपना, जो कि नॉर्मल इसका क्वालिटी होती किसी वायरस की, अपने आप को चेंज करने के लिए। इसीलिए इसकी वैक्सीन का इजाद किया गया, और वैक्सीन में भी ये देखा जाता है कि कई बार हमें बूस्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रारूप अपना चेंज करता रहता है। जी, क्या आप जो एमपॉक्स के लक्षण है, अगर उनका कोरोना से कंपेयर किया जाए तो एक जैसे ही है या कुछ अलग भी है? देखिए, कोरोना में जो हमने देखा उसमें भी शुरुआती सिम्टम्स सेम ही होते थे, जैसे हमने बताया बुखार आना, सर दर्द होना, पेन होना, लैक ऑफ एनर्जी होना, उसमें उसके बाद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते ज़्यादा। इस वाले में जैसे हमने बताया, जो अलग कैटेगरी है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम कोरोना, इज द स्किन लीजन। स्किन लीजन जो है कोरोना में नहीं होते थे, तो ये स्किन लीजन जो है ये अलग है एज कम्पेयर टू कोरोना, जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है कोरोना से, और ये पेनफुल है, बहुत पेनफुल होते हैं। लेकिन हमें और जो स्किन वाले जो वायरसेज, उससे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जैसे चिकन मॉक्स या मीजल्स या स्केबीज होता है, उससे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन ये कोरोना में इस तरह के लीजन्स नहीं होते थे, इसमें ऐसे लीजन्स होते हैं, तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम कह सकते हैं। जी, अब जैसा कि नाम से जाहिर है, एमपॉक्स लोगों के जहन में आता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, क्या ये एक ही परिवार के वायरस हैं? हाँ देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरसेस, ये कैटेगरी एक फैमिली होती है डीएनए वायरसेस की, जिसमें कॉव पॉक्स और वैक्सीनिया जो है अदर वायरसेस इस तरह के उसी ग्रुप में आते हैं, और ये जूनोटिक डिजीज में माने, जूनोटिक का मतलब होता है एनिमल से ह्यूमन में आ सकते हैं, तो ये भी उसी तरह का वायरस है। और ये जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कोंगो में स्टार्ट हुआ था, और वहीं से ये उसमें भी सबसे पहले ये एनिमल टू ह्यूमन ही स्प्रेड हुआ था, तो ये टिपिकल उसी तरह की फैमिली को बिलोंग करता है। क्या एमपॉक्स की वैक्सीन उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल, देखिए 2022-23 में जो आउटब्रेक हुआ था, WHO ने एक वैक्सीन को अप्रूव किया था, जिसको US में और यूरोप में यूज किया गया था, उसको MVA-BN वैक्सीन के नाम से, इसका ब्रांड नेम जीनोस के नाम से उसको लॉन्च किया गया था, जो कि USFDA अप्रूव्ड है। और ये वैक्सीन यूज की जाती है, इसमें 2 डोज लगाने पड़ते हैं 20 डेज अपार्ट, सबक्यूटेनियस लगाते हैं इसको, और ये वैक्सीन बहुत यूज हुआ उस टाइम। इस समय भी जो आउटब्रेक हुआ है, WHO गाइडलाइंस है कि जो लोग एट हाई रिस्क हैं उनको आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आपका एक्सपोजर हुआ किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, विद इन 4 डेज आपको वो वैक्सीन लगा लेते हैं अगर आप, तो आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस और स्प्रेड से आप उसको रोक सकते हैं। और इसके अलावा जो हाई रिस्क कैटेगरी मैंने आपको पहले बताया था, उन सबको हम वैक्सीन पहले भी लगा सकते हैं विदाउट। अब वैक्सीन से जुड़ा एक और सवाल मेरा है कि ये जो स्मॉल पॉक्स के, चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगे हैं, क्या
जिनको लग चुके हैं वो कारगर हैं उतने ही, या फिर उनको अलग से वैक्सीन लेने की जरूरत होती है? बिल्कुल, देखिए जो पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा, चिकन पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तो वैसे ही बंद हो चुका है 1980 में जब से रेडिकेट हो गया, तो वो वैक्सीन तो ऑलरेडी अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। चिकन पॉक्स का डेफिनेटली हम जो लगाते हैं उसमें कुछ क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है लेकिन वो कम होती है, तो जिसको भी अगर चिकन पॉक्स का भी लगाया है या मीजल्स का लगाया है उसको भी ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें पूरी इम्यूनिटी आपको नहीं मिलती, कुछ क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है। जी, अब सवाल आता है इसके ट्रीटमेंट का, एम पॉक्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर में और मेडिकली? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए किसी भी तरह की वायरल डिजीज में सबसे पहला होता है आपका कि पेशेंट को आपको आइसोलेट कर लेना है, जैसे हमने कोरोना में किया था। जैसे ही आपको पता लगे बुखार आ गया है तेज और स्किन रीजन आपको दिख गए, अपने आपको एक अलग रूम में आइसोलेट कर लीजिए। सबसे पहले नंबर वन मास्क पहनना शुरू कर लीजिए, बार बार आपको हाथ धोना है साबुन से, सैनिटाइजर से, किसी और एरिया में टच ना करें जब तक कि आप सैनिटाइजर यूज ना कर लें। और जो आजकल नहाने के लिए बोला गया, WHO ने बोला कि बेकिंग जो सोडा होता है वो डाल के अगर आप नहाते हैं तो स्किन रीजन का इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। और जिन लोगों को एनल रीजन में रीजन आते हैं उन्हें हम सिट्स बाथ बोलते हैं, पानी में गर्म पानी डाल के बेकिंग सोडा डाल के आप बैठ के सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर आप किसी के साथ पब्लिक प्लेस में है जहाँ अगर हो सकता है एक कमरा पॉसिबल ना हो, दो तीन लोग और भी हो आपके साथ, तो अपने रीजन को कवर करके रखना है। अगर आप अकेले कमरे में हैं तो उसको खुला छोड़िए ताकि स्किन ड्राई रहे। बाकी बुखार के लिए आप क्रोसिन ले सकते हैं, पैरासिटामोल ले सकते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में जब मैंने बताया कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जिसमें सेप्सिस से लेकर निमोनिया, हार्ट और ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक मेडिसिन को उन्होंने एक अप्रूवल दिया है WHO ने एज अ एक्सपेरिमेंटल, जो 2022 में भी यूज किया गया था और इस समय भी हम यूज कर रहे हैं। इसको हम टीकोविरिमैट के नाम से बोलते हैं, जिसमें हम 14 डेज के लिए ओरल ड्रग इसको देते हैं, लेकिन ये सभी को नहीं देना है, विशेषज्ञ की सलाह से जो स्पेशल लोग हैं उन्हीं को दे दिया जाता है। संक्रमित व्यक्ति का जिसको एमपॉक्स का संक्रमण हो गया है उसका खान पान क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना है, मैंने बताया, और जो खाना है वो आपको फ्रेश खाना है, किसी तरह का जंक फूड नहीं लेना है, क्योंकि आपकी अपनी इम्यूनिटी को आपको डेवलप करना है, क्योंकि किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रोटीन्स का सेवन अच्छा रखना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बार बार साबुन से हाथ धोना, वो सब आपको रखना ही है। खाने पीने में मेन यही है कि आपको स्वच्छ फ्रेश फूड खाना है और हाइड्रेशन का अच्छा ध्यान। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि भारत में इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए भारत में ऑलरेडी मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर पूरी गाइडलाइंस इशू कर दी हैं और सभी सेंटर्स को सजग रहने के लिए दिशा निर्देश मिल चुके हैं। कई हॉस्पिटल्स में एक डेडिकेटेड रूम्स बन गए हैं स्मॉल इसके मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए, एंड सभी डॉक्टर्स को उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी गई है कि कैसे इसको ट्रीट करना है। तो इस समय भारत तैयार है अगर कुछ इस तरह के इश्यूज बढ़ते हैं, बट अभी तक मतलब अच्छी बात है कि भारत में एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ अफ्रीका के बाहर से चार ही कंट्रीज में एक एक या दो दो केस डेवलप हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छा हुआ WHO ने समय से पहले ही इसको क्लियर कर दिया ताकि हम सब लोग सजग हो जाएं और इसको स्प्रेड होने से रोक सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को डॉक्टर अनूप आपने जो बातें बताई हैं गहराई से एमपॉक्स के बारे में समझाया है, इस बीमारी को लेकर उनको काफी जानकारियां मिल गई होंगी, तो वो भी सावधानी और सतर्कता बरतेंगे इसको लेकर। और गनीमत यह है और अच्छी बात यह है कि फिलहाल भारत में इससे जुड़ा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। डॉक्टर अनूप का यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करेंगे, आज आपसे विदा लेते हैं। NDTV एक्सप्लेनर के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।